27 सितंबर 1958 एक ऐसी तारीख जिसको हम सभी लोग भुला चुके हैं और कुछ को तो पता ही नहीं इस दिन हुआ क्या था। 27 सितंबर 1958 ये एक ऐसी तारीख है जब एक इंडियन ने इंग्लैंड में जाके इंडिया का नाम रोशन किया था और उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था एज अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर। जी, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर महेर सेन के बारे में। चलिए पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये थे कौन, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था और ये कहाँ तक पहुँचे और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया। तो मिस्टर महेर सेन का जो जन्म हुआ है वो 16 नवंबर 1930 इंडिया वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जगह पे हुआ था, एक बंगाली फैमिली में। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए कटक चले गए और कटक में जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है वो लॉ करने के लिए भुवनेश्वर आ गए और भुवनेश्वर से वो इंग्लैंड चले गए क्योंकि उनको बार की प्रिपरेशन करनी थी। और जब वो इंग्लैंड में थे 1950 में वो एक महिला से, एक अमेरिकन वूमेन से बड़े इंस्पायर हुए। उन महिला का नाम था फ्लोरेंस चिडविक, जो कि पहली महिला थी, फर्स्ट वूमेन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। जी, वहीं से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने वहीं के इंग्लैंड के एक लोकल पूल में जाके, जो कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल में, उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और उन्होंने अपनी मास्टरी की फ्रंट क्रावल यूके फ्री स्टाइल यूएस टेक्निक में, जिसके बाद उन्होंने 1958 में डोवरा से कैलिस 14 घंटे 45 मिनट में तैरकर क्रॉस किया, जो कि फास्टेस्ट टाइम था। और उसके बाद वो एशिया के पहले इंसान बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को कॉन्कर किया और उसके बाद उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ एज अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर। फिर 1966 में वो एक लौते ऐसे इंसान बने जिन्होंने 5 कॉन्टिनेंट के ओशंस को स्विम करके क्रॉस किया और उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया आके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनके साथ एक घटना घटती है कि वो एक क्लब में जाते हैं, इंडिया के एक क्लब में जाते हैं जहाँ पे ओनली वाइट की पॉलिसी थी और जिसकी वजह से उनको डिनाई कर दिया गया उस क्लब में एंट्री से। लेकिन वो एक हाई प्रोफाइल मीडिया कैंपेन बन चुके थे जिसकी वजह से उनको एंट्री उस क्लब वालों को देनी पड़ी और जैसे ही उनको एंट्री मिलती है और सभी इंडिया में क्लब्स इंडियंस के लिए ओपन हो जाते हैं। फिर एक कम्युनिस्ट लीडर ज्योति बासु उनके पास गए रिक्वेस्ट लेके कि वो उनका कैंपेन ज्वाइन करें, लेकिन मिस्टर महेर सेन ने उनको मना कर दिया। इस बात से खफा होकर ज्योति बासु जब इलेक्शन जीते तो महेर सेन का जो बिजनेस था, क्योंकि उस टाइम तक महेर सेन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन चुके थे, तो ज्योति बासु उनके बिजनेस के पीछे लग गए और उनके पीछे तब तक लगे रहे जब तक उनका बिजनेस टोटली शट डाउन ना हो गया। लेकिन उसके बाद 1977 में जून में मिस्टर महेर सेन का देहांत हो जाता है, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं क्योंकि वो पहले एशियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को कॉन्कर किया था 1958 में और उसी के साथ उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टर महेर सेन जी से इंस्पायर होते हैं और कुछ ना कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं और ऐसे इंसान के लिए मेरे दिल से सल्यूट निकलता है कि इन्होंने अपना नाम ही नहीं, भारत का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया।